कैसे हैं आप सब। तो आपने जो है हमारा पिछला दो वीडियो देखा, एक था अंतः विभाजन का, दूसरा था बाह्य विभाजन का। तो आपको वो वीडियो कैसा लगा, समझ में आया हो तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए, हाँ सर वो वीडियो एकदम समझ में आया। नहीं समझ में आया हो तब भी आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। देखो हमने तो क्या किया, रट लिया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसमें x और y के टर्म में बोलें तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये होता है, ये तो हमने रट लिया, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से, कोई बताएगा कमेंट करके? ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये पता है कहाँ से आता है ये, जल्दी से एक बार कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। समझ आपको ये पता है, इसकी समझ है कि ये कहाँ से आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो भाई कोई नहीं बताएगा ना, चलो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आता है। देखो मैंने पढ़ रखा है यहाँ पे अंतः विभाजन का फॉर्मूला, अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, अंतः विभाजन का जो सूत्र था वहाँ पे क्या था, हमने बताया कि मान लो कि कोई दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ पे ए का निर्देशांक, यहाँ पे ए था एक्स वन वाई वन और ये क्या था एक्स टू और वाई टू, यहाँ पे एक पॉइंट क्या था पी था और इसको एम और एन के अनुपात में पी जो है क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था। तो पी का निर्देशांक क्या था, अगर हम पी एक्स वाई की बात करें तो यहाँ पे क्या निकल के आता था, एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और क्या था एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, यही निकल के आया था ना भाई, यही तो निकला था। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, क्या है, एक ये पॉइंट है ए और ये बी, ए का निर्देशांक एक्स वन और वाई वन है, बी का निर्देशांक एक्स टू और वाई टू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मध्य बिंदु निकालना है कि मतलब कि ये जो रेखा ए बी है इस पे कोई एक पॉइंट पी होगा जो क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा बराबर बराबर भागों में, मतलब कि समान दो भागों में विभाजित करेगा, तभी तो मध्य बिंदु होगा। अब इसका निर्देशांक मैंने क्या ले लिया, एक्स और वाई, देखो यहाँ पे एम और एन ले लिया, ठीक है। लेकिन ये मध्य क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम बराबर एन, एम और एन का मान क्या होगा, बराबर होगा, और इनका जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, एन होगा, मतलब कि एम का मान भी एक होगा और एन का मान भी एक होगा, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। अब देखो अब यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी थी उसका मध्य बिंदु P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ही लगाएंगे, यहाँ पे P टर्म में x निकालना होगा जब, तो यहाँ पे हमने क्या लिख पढ़ा है, एम एक्स टू प्लस में m सॉरी n, यहाँ पे एन एक्स वन अपॉन में m प्लस n, यही पढ़ रखा है ना। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे 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 हम क्या करेंगे, यहाँ से हम m का मान एक रखेंगे गुणे में एक्स टू कर देंगे, ठीक है, प्लस में n का मान एक रखेंगे गुणे में एक्स वन कर देंगे, और यहाँ इसका भी मान एक है और इसका भी मान एक है, ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक्स टू प्लस में एक्स वन अपॉन में टू, या फिर इसको हम लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू। समझ में आया ना, इतना क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से सब लोग बताओ क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया। चलो अच्छा भाई फिर यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, पी वाई जब निकालेंगे तो वाई के लिए भी मैंने वही फार्मूला लिखा, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वाई टू यहाँ पे प्लस का वाई वन अपॉन में क्या होगा वन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू इजक्वल टू टू, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे इसको ना करके हम एक ना मानते, चलो ठीक है हम एक नहीं मान रहे हैं, हमने मान लिया कि जो एम है वो एन के बराबर, मतलब कि दोनों का अनुपात बराबर है, तो यहाँ पे देखो इधर करते हैं, एक ही सवाल कई तरीके से बताएंगे आपको, बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हम चलो x लेते हैं, तो x बराबर मैंने क्या लिखा, एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में m प्लस एन, यहाँ पे लेकिन चूंकि क्या है m बराबर n है तो हम क्या लिखेंगे, m के बराबर n रख देते हैं, तो एन एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एन प्लस एन, ठीक है। यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया, एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन में क्या होगा 2n, n से n कटा, यहाँ पे क्या आ गया x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2 आ गया ना, क्लियर हो ना इतना। अच्छा ठीक है फिर y को लेते हैं, y में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में क्या
एम प्लस एन, यहाँ पे भी m बराबर n है या n बराबर m है, चलो यहाँ पे हम n बराबर m रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस में एम वाई वन अपॉन में m प्लस n, ठीक है। यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया, y1 प्लस में y2, और यहाँ पे क्या हो गया 2m हो गया, m से m कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे क्या आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है उसका जो निर्देशांक पी एक्स वाई जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में टू, और यहाँ पे होगा वाई वन प्लस वाई टू बटे में टू। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया। जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से आप लोग इसको कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं। और हाँ, अगर समझ में आया हो तो भैया एक रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, खासकर भाई जो BIC स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो आप लोग इस समय वीडियो आप देख रहे होंगे, सर ने आपको इसका लिंक दिया होगा, तो आप इसको देखिए और समझ में आए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आए, और इसी तरह के आप और जो हेल्पफुल हमारे लिए इजीली जो है वीडियो बनाइए जो हमको आसानी से समझ में आए, और मैं फिर आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो वहाँ से पब्लिश करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और ऐसे नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, और हाँ अपने आप को स्वस्थ रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।